हेलो फ्रेंड्स, लेकर आए हैं आप सभी के लिए राजस्थान में RSMSSB कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो 18 सितंबर को एग्ज़ाम हुई है उसके हर एक प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। इसमें जो राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा हुई है 18 सितंबर की, उसका ये पेपर है बिल्कुल सटीक और परफेक्ट। हर एक प्रश्न का हल आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सेकंड, यानी कि आपात और आबाद, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आकस्मिक संकट, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। सेकंड प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है? तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4, यानी कि डी टके की चटाई 9% विदाई, धैर्य न रखना। ऑप्शन डी सही है इसमें। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, यानी कि इनसाइट तटस्थता, नंबर सी सही है इसमें। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? तो चौथे में जो जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी अन्योत्तर, अन्य प्लस उत्तर, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, नंबर डी। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। पांचवा, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? तो पांचवे में सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सरोजनी, ए नंबर ए सही है, सरोजनी उत्तर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। छठा प्रश्न, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। छठे का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए यथाविधि तत्पुरुष समास, ए सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सातवें पर, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो सातवें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रीत्यनुसार, यानी कि ए, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आठवां, जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो आठवें में सही जवाब हो जाएगा बी वाक्पटु कहते हैं उसे, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरा विकल्प के लिए यानी किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स नवे में वो हो जाएगा ए देशभक्ति, देश की भक्ति, ये सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्याय नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी धनुष, कोदंड, तरंगा, ये बिल्कुल सही है, नंबर बी। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो 11वें में सही जवाब हो जाएगा सी विजय प्राप्ति की 3 इच्छा परीक्षण, अगला प्रश्न है 12वां, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स, 12वें में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी मेधावी, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। 13वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं? तो 13वें का सही जवाब हो जाएगा डी शल्की, कामध्वज, कटकी, ये सही जवाब है डी। अगला प्रश्न, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो 14वें में सही जवाब हो जाएगा बी तेजस्वी, यशस्वी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न आ जाता है 15वां, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 15वें में हो जाएगा ए यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, 15वां सही जवाब है। अगला प्रश्न है 16वां, भैंस रोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पार कहलाता है, तो उसे जो कहते हैं वो हो जाएगा नंबर सी ऊपरमाल कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं, प्रमुख मक्का उत्पादक जिले पूछे गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, नंबर ए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर सही है। अगला प्रश्न 18वां, शीतकालीन वर्षा मावट होती है कहाँ पर होती है? 18वें में सही जवाब आ जाएगा बी पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा,
पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है 19वां, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नागभट्ट सेकंड के द्वारा, नागभट्ट द्वितीय, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 20वां, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 21 फरवरी को, 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसमें 21वें में सही जवाब हो जाएगा सी, उदयपुर, उदयपुर सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा 22वां, श्री लाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, तो इसमें सही जवाब पूछा गया है तो इसका हो जाएगा डी, पट चित्रण फड़के, तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जोधपुर में, जोधपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बड़ला सोलर पार्क अवस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए, जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 25वां, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा बी, मानगढ़ बांसवाड़ा को, मानगढ़ बांसवाड़ा। अगला प्रश्न 26वां, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी स्थित है? तो 26वें का सही जवाब हो जाएगा बी, शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। 26वां प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर के, सी ऑप्शन सही है, जैसलमेर के। 28वें में आ जाते हैं, 28वां प्रश्न है, पोतीखाना संग्रहालय स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28वें का नंबर सी, यानी कि जयपुर में, जयपुर में स्थित है पोतीखाना संग्रहालय। अगला प्रश्न 29वां, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 29वें का, राजस्थान में हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा भाग संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है, वो हो जाएगा आप सभी के नंबर सी, रामगढ़ विषधारी, सी सही है, रामगढ़ विषधारी पार्क। अगला 30वां प्रश्न, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में सवाई जयसिंह ने वेदशाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आगरा में, आगरा में नहीं करवाया था। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो 32वें का सही जवाब हो जाएगा बी, तत्वाद्य। अगला प्रश्न पर हम आ जाते हैं, हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, हल्दीघाटी का युद्ध, बहुत अच्छा प्रश्न है, 33वें में आ जाएगा ए, वर्ष 1576 में, 1576 में लड़ा गया था। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़ में। इस पर फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया था कि इस पर मैंने एक सेट बनाया था जो कि नॉर्मल से 10 के क्वेश्चन थे, उसमें से जो हमारे BSTC की परीक्षा हुई थी 31 तारीख को, उसमें भी मेरे क्वेश्चन पड़े थे उस सेट में से, और इसमें भी ये आपका क्वेश्चन पड़ गया है। इसको मैंने बनाया था ये सेट, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, मैं राजस्थान के GK के क्वेश्चन उपलब्ध करवाता हूँ, तो आपका अगर बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स रहता तो मैं और उपलब्ध करवाता और निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होता। लेकिन BSTC में भी छात्रों को इससे क्वेश्चन पड़े थे मेरे सेट में से, मैंने अभी तक 2 या 3 या 4 सेट उपलब्ध करवाए हैं जिसमें से 2-3 क्वेश्चन मेरे आ गए थे, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर, मैं उपलब्ध करवाता हूँ राजस्थान के और इंडिया के GK के और करंट GK के क्वेश्चन आंसर्स भी, तो आप वो पढ़ सकते हैं आप मेरे चैनल पर।
इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, और वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, 35वें पर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जीके व्यास। अगला प्रश्न 36वां, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बी, चैत्र माह में, भी सही है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं 37वें पर, कामायचा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाद्य यंत्र सी, सही है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं 38वां प्रश्न है, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झालावाड़ कोटा और बूंदी में पाई जाती है। बातारी फुलवारी पुस्तक के रचयिता थे, अच्छा प्रश्न है, इसका आ जाएगा विजयदान देथा बातारी फुलवारी। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं, जाजम छपाई प्रसिद्ध है, जाजम या आजम, तो इस ये छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 41वां, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या होगी, तो 41वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 42 होगी, ए सही है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 42वां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 42वें का वो हो जाएगा डी, भोपाल में की है। अगला प्रश्न हमारा 43वां, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया किलोग्राम की आवश्यकता होगी, तो इसका जो सही जवाब है 43वें का वो हो जाएगा डी, 3255 किलोग्राम, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा 44वां, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है, तो 44वें का सही जवाब हो जाएगा सी, पूसा बासमती 1, ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है हमारा 45वां, हिसार सुगंध DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है, तो 45वें का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, धनिया आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 46वां, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है, तो 46वें में जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ए, जल उपयोग दक्षता, ए सही है। अगला प्रश्न है 47वां, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है, तो 47वें में जो सही जवाब आ जाएगा सी, गन्ना। अगला प्रश्न 48वां, राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ, 48वें का सही जवाब हो जाएगा डी, 14 अप्रैल 2016 को, डी सही है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं 49, किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स परिवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता, तो 49 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परत अपरदन सही है। अगला प्रश्न 50, निम्नलिखित में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मक्का आ जाएगा। अगला प्रश्न 51, जौ का वानस्पतिक नाम यह है, कौन सा है जौ का वानस्पतिक नाम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉर्डियम वल्गेयर, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 52, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, टमाटर की। अगला प्रश्न 53, आधार बीज फाउंडेशन सीड के थैले पर किस रंग का टैग लगा रहता है, तो 53 में सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, सफ़ेद आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है, तो 54 में सही जवाब हो जाएगा सी, स्ट्राइका स्पीसीज। अगला प्रश्न, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, तो 55 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने। अगला प्रश्न हमारा 56, इसे रेशो का राजा भी कहा जाता है। तो 56 में सही जवाब हो जाएगा ए, जूट को रेशो का राजा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं 57, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार को, ज्वार आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न 58, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 3B में। अगला प्रश्न हमारा 59, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहाँ पर मुख्यालय के साथ की गई थी। 59 में सही जवाब हो जाएगा डी, कोलकाता, कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न है 60, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली ISSS के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास मिलीमीटर होना चाहिए। 60 में सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 0.02 से 0.002, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है 61, गोंदाती गमोसिस किस फल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का ऑप्शन बी, नींबू वर्गीय फल। अगला प्रश्न है, आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5 से 1.0, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 63, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है। तो 63 में सही जवाब हो जाएगा आप सभी का बी, तरबूज की। 64 में आ जाते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है। 64 में सही जवाब हो जाएगा ए, अनार। तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं 65वां, भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रक प्रयोग करते हैं। तो 65 में सही जवाब हो जाएगा ए, मैलिक हाइड्राजाइड, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 66, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मुलेठी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जिब्रेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 में की थी। तो वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरोसावा, कुरोसावा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है। तो 68 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा 69, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बेर, बेर स्वदेशी है। अगला प्रश्न हमारा, इसको चाइनीज लेयरिंग, पोर्ट लेयरिंग, मार्कोटेज या गूटी के नाम से भी जाना जाता है। 70 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर लेयरिंग को, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 71, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइमेथोएट, डाइमेथोएट सही है। अगला प्रश्न, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। 72 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यह पौधों की सदाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। तो 73 में सही जवाब हो जाएगा ए, टोपियरी, ऑप्शन ए सही है, टोपियरी। अगला प्रश्न है 74, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। 74 में सही जवाब हो जाएगा ए, भारत, भारत विश्व में सबसे बड़ा आम का उत्पादक देश है। अगला प्रश्न, कुफरी पुखराज, कुफरी सीतमान और कुफरी अलंकार किसकी किस्में हैं। 75 में सही जवाब हो जाएगा ए, आलू की। अगला प्रश्न है 76, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वानस्पतिक नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अंगूर का, अंगूर का। अगला प्रश्न, खजूर का वानस्पतिक नाम है, खजूर का वानस्पतिक नाम है ए, ऑप्शन ए।
फिनिक्स डेक्टा इलिफेरा। अगला प्रश्न 78, पुष्कर किस की खेती के लिए जाना जाता है? तो 78 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाब की खेती के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सिंचाई की एक प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। 79 में ऑप्शन आ जाएगा बी, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न 80, जैम में साधारणतया TSS प्रतिशत होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 68.5%, यानी 68.5%। अगला प्रश्न है 81, निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है? 81 में सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सी, चोकला को, चोकला भेड़। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कूबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रोमेडरी, ड्रोमेडरी। अगला प्रश्न है हमारा 83, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या होती है? 83 में सही जवाब हो जाएगा डी, 34। अगला प्रश्न 84, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? तो 84 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रानीखेत। अगला प्रश्न है 85, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 86, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1.028। अगला प्रश्न 87, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉकिंग। अगला प्रश्न 88, हसिंगा के आकार का सींग निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? तो 88 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरती, सुरती सही है, ऑप्शन सी सुरती सही है। अगला प्रश्न है हमारा 89, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 89 का, वो हो जाएगा ए, भदावरी, ए सही है इसका। अगला प्रश्न 90, गाय की होलस्टीन फ्रिसियन नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉलैंड, हॉलैंड आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 91, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है? बकरी की विदेशी नस्ल है ऑप्शन सी, बारबरी, बारबरी। अगला प्रश्न 92, हीफर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। अगला प्रश्न 93, कैप्रा हिरकस वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बकरी का, बकरी का आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 94, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्य में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न आ जाता है 95, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन सही है। अगला प्रश्न है 96, गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न 97, विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रैम्बो लिएट। अगला प्रश्न, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। 98 में आपके सामने है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अविकार नगर राजस्थान में, अविकार नगर राजस्थान में। अगला प्रश्न 99, निम्नलिखित में से
किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 100, मुंहपका खुरपका रोग है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसर्गज। संसर्गज। तो ये फ्रेंड्स राजस्थान में RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के जो क्वेश्चन आए हैं 18 सितंबर की जो एग्ज़ाम है उसके लिए बिल्कुल सटीक सटीक उत्तर आपको बता दिए गए हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, आगे जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है वैसे आपको बता दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और GK के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।